लू का तीसरा अध्याय। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इत्तुरैया और त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अभिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र योहन्ना के पास पहुंचा। वह यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास दो कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उनसे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में योहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो योहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना कलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अतः वो बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथे देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया, तो हेरोदेस ने उन सबसे बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि योहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का और वह मत्तात का और वह लेवी का और वह मलकी का और वह यन्ना का और वह यूसुफ का और वह मतित्या का और वह आमोस का और वह नहूम का और वह असल्याह का और वह नोग का और वह मात का और वह मतित्या का और वह शीमी का और वह योसेख का और वह योदाह का और वह युहन्ना का और वह रेसा का और वह जरुबाबल का और वह शल्तियेल का और वह नेरी का और वह मलकी का और वह अद्दी का और वह कोसाम का और वह इल्मोदाम का और वह एर का और वह येशु का और वह इलाजार का और वह योरीम का और वह मत्तात का और वह लेवी का और वह शमौन का और वह यहूदाह का और वह यूसुफ का और वह योनान का और वह इलियाकीम का और वह मलेआह का और वह मिन्नाह का और वह मदता का और वह नातान का और वह दाऊद का और वह यीशे का और वह ओबेद का और वह बोअज का और वह सलमोन का और वह नहशोन का और वह अम्मीनदाब का और वह अरनी का और वह हिज्रोन का और वह
फिरिस का और वह यहूदाह का और वह याकूब का और वह इसहाक का और वह अब्राहम का और वह तीरह का और वह नाहोर का और वह सरूग का और वह रऊ का और वह फिलीग का और वह एवीर का और वह शिलह का और वह केनान का और वह अरफक्षद का और वह शेम का और वह नू का और वह लीमीक का और वह मतोशिलह का और वह हनोक का और वह यरीद का और वह महलेल का और वह केनान का और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। यजकेल 25 अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर, उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया और इज़राइल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो मैं तुझको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूँ और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे, वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा नगर को ऊंटों के रहने और अम्मोनिया के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुमने जो इज़राइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मोआब और सेइर जो कहते हैं, देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है, इस कारण देख मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेत-यशीमोत, बालमोन और किरितैम जो उस देश की शिरोमणि है, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्व देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें और मैं अम्मोनी को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यो भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे, तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपने युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहजकेल 26 अध्याय। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी वह नष्ट हो गई, उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसे उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती है। वे सोर के शहरपना को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा।
वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। और वह जाति जाति से लुट जाएगा और उसकी जो बेटियां मैदान में है वे तलवार से मारी जाएंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख मैं सोर के विरुद्ध राजा दि राज बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। तेरी जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा। वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे घुमटों को फरसों से धा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूल से ढंप जाएगा। और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, जकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा और तेरे बल के खम्भे भूमि पर गिराए जाएंगे। लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह धा देंगे और तेरे मनभाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल वे जल में फेंक देंगे। मैं तेरी गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझे यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा सोर से यो कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझमें घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे? तब समुद्र तटीय देशों के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बाघे और बुट्टेदार वस्त्र उतार कर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित हो रहेंगे। वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराई हुई नगरी जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थ्य रही और सब टिकने वालों की डराने वाली नगर थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र के सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग में तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रख कर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। भजन संहिता 110 अध्याय। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और बोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मेलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा।